नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपनी चैनल स्टॉक्स एजुकेशन में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एनालाइज करेंगे क्रेसेंडा सॉल्यूशन लिमिटेड। क्या इस होने वाला इस कंपनी में, क्या मंडे को यह कंपनी गिरेगा या फिर अगेन अपर सर्किट पे ही भागेगा। कंपनी में जो ग्रोथ आ रही है उसके पीछे के रीजन को हमने ऑलरेडी अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। अगर आपने नहीं देखा तो आप अभी भी चैनल पर वो वीडियोज पड़ी हैं, आप जाके देख सकते हैं। तो कंपनी का अगला स्टेप क्या होगा, क्या यह कंपनी और भी बड़ी तेजी दिखाएगा, कंपनी कहाँ तक जाकर रुकेगा, जो लोग भी फ्रेश एंट्री करना चाहते हैं उन्हें किस प्राइस पे इस कंपनी को बाई करना चाहिए, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, कोई भी पार्ट मिस ना करें। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। तो देखते हैं इस कंपनी के डिटेल को, कंपनी का क्या डिटेल बनता है, कंपनी का टेक्निकल व्यू कैसा बनता है, देख लेते हैं। दोस्तों अगर इस कंपनी के ग्रोथ को देखकर आपको कोई दूसरा शेयर याद आता तो मेरे ख्याल से आपको याद आना चाहिए सेल मैन्युफैक्चरिंग, एक ऐसा कंपनी जो कि 35 पैसे से चलकर 1200 रुपए तक गया है और यह कंपनी भी जस्ट उसी को कॉपी करते हुए सेम पैटर्न बनाते हुए आगे बढ़ता चला जा रहा है। तो देखते हैं इस कंपनी के डिटेल को, आप देखेंगे इस कंपनी के चार्ट पैटर्न को। यह कंपनी अभी यानी कि अगर कुछ साल पहले की बात करें तो इस कंपनी ने अपना हाई बनाया था 55 रुपए के पास में और वहां से यह कंपनी गिरते हुए काफी नीचे आया था। सेम आपको चार्ट पैटर्न उसका भी देखने को मिल जाएगा यानी सेल मैन्युफैक्चरिंग का। आप देखेंगे कंपनी जब बाउंस बैक कर रहा है तो काफी तगड़ा बाउंस बैक कर रहा है, ये हमने मैक्सिमम चार्ट लगा रखा है इस कंपनी के। अगर इस कंपनी के हम रिटर्न की बात करें तो आप देखेंगे एक महीने में इस कंपनी ने लगभग 150% का रिटर्न आपको दिया है, सिर्फ और सिर्फ एक महीने में। एक साल की बात करें तो 6000% का रिटर्न आपको देखने को मिलता है। दोस्तों अगर इस कंपनी के डेली चार्ट पे हम डिटेल देखें तो क्या इस कंपनी को करेंट प्राइस पे बाई किया जा सकता है, बिल्कुल आप चाहें तो बाई कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले इस कंपनी का डिटेल देख लीजिए, आप देखेंगे इस कंपनी का जो RSI लेवल आपको देखने को मिलेगा वो 92 प्लस आपको देखने को मिल जाएगा, यानी कि यह कंपनी ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा भाग चुका है। और अभी आपने देखा कि यह कंपनी जैसे ही 92 को क्रॉस करके ऊपर निकला था तो वहाँ पर एक छोटा सा करेक्शन भी आपको देखने को मिला था। तो अगर अभी आप इस कंपनी को बाई करते हैं तो आपको अपना स्टॉप लॉस साथ के साथ ट्रेल करना चाहिए, डेली टू डेली बेसिस पे आपको अपना स्टॉप लॉस किस प्राइस पे लगाना है। अगर उसकी बात करें तो आप देखें पर डे यानी कि जब मार्केट ओपन होता है तो इस कंपनी का लोएस्ट प्राइस क्या है, यानी कि लोअर सर्किट का जो प्राइस है वो क्या है, उसके थोड़ा सा ऊपर आप चाहें तो अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। यानी कि मान लीजिए लोअर सर्किट का जो प्राइस शो कर रहा है वो 28 रुपए का शो कर रहा है, तो आप चाहें तो 28 रुपए के थोड़ा सा ऊपर यानी कि 5 पैसे या फिर 10 पैसे पे आप चाहें तो अपना स्टॉप लॉस लगाकर चल सकते हैं। इससे ये होगा कि अगर उस दिन यह कंपनी अपने लोअर सर्किट पे जाता है तो उससे पहले आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और आप टाइम से एग्जिट कर जाएंगे। अदरवाइज अगर यह कंपनी गिरना स्टार्ट हुआ तो एक बड़ी गिरावट आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो अगर आप इस कंपनी को करंट प्राइस पे बाई करते हैं तो ये ट्रिक यूज करके आप अच्छा खासा अपने प्रॉफिट को सेव करके चल सकते हैं। जिन लोगों ने शॉर्ट टर्म के लिए इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रखा है वो लोग भी चाहे तो इस ट्रिक का यूज करके चल सकते हैं। दोस्तों क्या इस कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया जा सकता है, बिल्कुल आपकी मर्जी है, आप कर सकते हैं, लेकिन रिस्की शेयर है, इस बात का भी जरूर ध्यान रखें। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।